Asal dan sabar kamu jin lah. Bokel ni pun ya jin bina. Pun ya jin sabar kamu nana sana. De. Asal dan sabar kalang guna ramen. Modal guna sporting. Yang kamu nala. Modal guna ni na. गेम अभी एक महीने के बाद पूर्ण होने वाला है। इधर वाले जो सफेद ड्रेस पहना है वो उदलगुरी स्पोर्टिंग एफसी और इधर ब्लू ड्रेस पहना है ये भगतपारा पुनिया एफसी। गेम स्टार्ट हो गया है। पुनिया एफसी के प्लेयर गिर गया नीचे। फाउल कर दिया स्पोर्टिंग एफसी ने। सेवन नंबर फाउल कर दिया स्पोर्टिंग एफसी का। सेवन नंबर प्लेयर फाउल मारते हुए अभी हाथ नंबर मेरे में गोरीबांग आउट बॉल। बस निग्रो को बॉल मिला था लेकिन रुक दिया। फिर से इनके दे पुनिया एफसी ने मिस हो गया पांव में लगानी। आउट बॉल फाउल। बहुत लंबा शो करते हुए पुनिया एफसी के प्लेयर लेव की तरह से निग्रो ने बोले क्या है बॉक्स में पहुंच गया। कोई भी नहीं था वाफिया लेकिन पास के नहीं कर पाया उसने। बहुत बढ़िया निकल कर दे दिया निग्रो। निग्रो बॉल मिल रहा है अभी लेकिन गिर गया निग्रो ने। फिर से निकल के दे दिया फॉरवर्ड में
वैज्ञानिक चला गया। फिलहाल कैप्टन के पास बॉल है स्पोर्टिंग एफसी, पुणे के 10 नंबर बोल रहे हैं। अभी 10 नंबर निकल के दे दिया निग्रो को, वहां पे बॉक्स में दिया था बॉल लेकिन कीपर ने पकड़ लिया। कोई भी नहीं है स्पोर्टिंग एफसी का प्लेयर फॉरवर्ड में, कीपर ने लंबा किक मारते हुए निग्रो बॉल ले रहे हैं। अभी शिकल दिखाते हुए निग्रो ने निकल के ले गया बॉल, किन मिस्टेक हो गया जाके। फिर से 16 नंबर बॉल ले रहे हैं, ऑफ साइड दे दिया निग्रो को। गलत बॉल ने कैसे दे दिया 10 नंबर ने। निग्रो बॉल लेते हुए आगे आ रहा है। अभी 2 नंबर 12 नंबर शिकल मारा था। फिर से स्पोर्टिंग एफसी ने बॉल आगे देते हुए, लेकिन कोई भी नहीं प्लेयर डिफेंस ने हेडिंग देके आगे कर दिया बॉल। पुणे एफसी ने फिर से आगे दे दिया निग्रो को बॉल। और 6 नंबर का चांस मिल रहा है अभी, लेकिन कीपर ने पकड़ लिया। स्पोर्टिंग एफसी का कैप्टन बॉल लेते हुए 7 नंबर को दिया था। जासमिन ने 17 नंबर निग्रो को ऑफसाइड दे दिया है। 14 नंबर ने ऑफसाइड की मारते हुए आगे दे दिया, लेकिन दूसरे बंदे के दे दिया है उसने। फिर से पुनिया प्लेयर 12 नंबर बॉल मिला है, 10 नंबर बॉल दिया, 10 नंबर बॉल फिर से 12 नंबर को वापस कर दिया। और पुनिया को चांस मिला लेकिन गलत हो गया, इन्होंने किक नहीं मारा, साइड में चल गया बॉल, कॉर्नर हो गया। अभी पुनिया एफसी को फर्स्ट टाइम कॉर्नर मारने का चांस मिल रहा है। अभी मार दिया कॉर्नर, बिल्कुल प्रॉपर बॉक्स में मारा है वो कॉर्नर, लेकिन आउट चला गया बॉल। फिर से इन कर दिया कीपर के पास ही, कीपर के हाथ में बिल्कुल पहुंच गया बॉल, नहीं तो बॉल होने का बहुत चांस था। स्पोर्टिंग एफसी की कीपर पकड़ लिया बॉल। प्रॉपर कोशिश कर रहा है पुणे एफसी ने गोल मारने की। आउट हो गया बॉल, कीपर के ऊपर से चला गया बॉल। सेवन नंबर आरके ने ले जा रहे बॉल, अभी बॉक्स में पहुंच गया, इसने शॉट मारे के बाकी है लेकिन गिर गया वो। एफसी ने पेनल्टी दे दिया, अभी स्पोर्टिंग एफसी को चांस मिल रहा है अभी पेनल्टी मारने का। अभी स्पोर्टिंग एफसी को पेनल्टी मारने का मौका मिला है, 11 नंबर पेनल्टी मार रहे हैं, देखते हैं अभी गोल होता कि नहीं होता स्पोर्टिंग एफसी। अभी गोल हो गया स्पोर्टिंग एफसी ने, एक गोल दे दिया, पेनल्टी मिल के पेनल्टी मारा था, गोल हो गया अभी।
फिलहाल स्पोर्टिंग एफसी 1 और पुनिया एफसी 0 स्कोर है। फिर से आरके ने जोर लगाते हुए ले जा रहे बॉल आगे की तरफ, फिर भी नहीं, दो दो गिर रहा था लेकिन हुआ नहीं है और अपने आप गिर गया, किक मारा था लेकिन लगा नहीं किक उसके, इसलिए गिर गया वो। सिक्स नंबर को बॉल दिया है पुनिया एफसी ने, पुनिया के सिक्स नंबर लेते रहे बॉक्स में पहुंच गया सिक्स नंबर ने लेकिन कभी तो गोल नहीं पाया, गोल मारा था लेकिन साइड में चला गया बॉल, बहुत चांस मिला था सिक्स नंबर को मारने का, पुनिया एफसी के प्लेयर है वो। दो बार मिस हो गया आरके का कीक, गलत पास स्पोर्टिंग एफसी का, हेडिंग दिया था प्रॉपर तरीके से लेकिन साइड में चला गया। स्पोर्टिंग एफसी ने आगे मारते हुए डिफेंस, फिर से मैन डिफेंस ने बॉल ले रहा है पुनिया एफसी का, पास दे दस ने तेना बना आगे मारा 60 नंबर को, 60 नंबर गिर गया नीचे। फिलहाल स्कोर पुनिया एफसी 1 और स्पोर्टिंग एफसी 1 बराबर है अभी। फील्ड के आउटसाइड में कुछ टुटुमा में हो रहे हैं, पता नहीं किसके साथ हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा काफी दूर में है पहले तरफ हो रहा है आपस में कोई बातें, रेफरी ने अभी गेम स्टार्ट करने के लिए बोला है। और 19 नंबर आउट स्पोर्टिंग एफसी का प्लेयर, फिर से साइड डिफेंस ने बोले थे बड़ा नंबर को दे दिया पुणे एफसी का, फिर बॉक्स के पास पहुंच गया बॉल, अभी भी पुनिया एफसी का 12 नंबर प्लेयर रिसीव मिस्टेक करके और बॉल आउट कर दिया है। नासिम ने आरके को बॉल दिया, आरके ने फिर से सेंटर में लगा मारा था लेकिन साइड में चला गया बॉल, गोल होने का बहुत चांस थे लेकिन थोड़ा सा ही रह गया गोल होने के लिए, अच्छा से इसने गोल मारा था लेकिन कोई भी आगे साइड में नहीं गया था इसलिए गोल मार नहीं पाया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कॉर्नर दिया है लेकिन रेफरी ने किसी को फाउल दे दिया है। कैप्टन अभी किक मारेगा, सीधा अरे आगे
फाउल दे दिया रेफरी ने। हाफ टाइम हो गया है, अभी फिलहाल स्कोर स्पोर्टिंग एफसी 1 और पुनिया एफसी 1 दोनों बराबर है। अभी लास्ट में फाइनल है, कौन जीतेगा आज? पुनिया। गेम को ना नंदेश्वर को हागन मेरी मंडों पुनिया को ना बगरपारायाव नायनो फैनाय गासै सुबुंफोर बिसोर फुटबल गोबां इन्टारेस्ट दङ, बिसोरबो नायनो फैदों, बिसोरबो गोबांनो। नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै सोरखौ हागोन बायदि मोनदों दिनै? खेलाखौथ' दायो जों पुनियाखौनो हागोन बायदि नुदों, खेलाया पुनिया प्रमाव दङ, जोबनायाव मा जायो मिथिला, नायनोसै जों। थेंक इउ। आदामोना खेलाखौ नायनानै सोरखौ हागोन बायदि मोनदों? पुनिया ना? नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै सोरखौ हागोन बायदि मोनदोंलाय? गेमाव ना गेलेनाया औ आदा मोना दिनै सोरजों सापर्ट खालामगोन? गोबां मानसिफ्रा नै बगरपारायाव दिनै नैथि सेमिफाइनालखौ नायनो फैदों, बेवहाय पुनिया गामिनि गासैबो जानो हागौ, बिसोरो नायनो फैदों, बिसोरो दायो बल खेला बेवहाय दायो। बिथांमोना पि वाइ सिनि टीमनि सापर्ट नोंथांमोना सोरजों सापर्ट खालामगोन दिनै? स्पोर्टिं एफ सि। नोंथांमोनालाय दिनै सोरजों सापर्ट खालामगोन? स्पोर्टिं ना? औ दे। नोंथांमोनालाय सोरजों सापर्ट खालामगोन? स्पोर्टिं एफ सि ना। थेंक इउ। फिर से सेकेन्ड हाफ मेच स्टार्ट हो गया है। फाउल दे रहे रेफरी ने स्पोर्टिंग एफसी की कैप्टन को, विकेट को चांस मिला अभी गोल मारने का, लेकिन कीपर ने रुक लिया बॉल। बहुत सही तरीके से निकल को चांस मिला था, लेकिन थोड़ी सी गलती के से गोल नहीं हुआ। चीना बने किक मारते हुए लंबा किक आगे राइडिंग एरिया स्पोर्टिंग एफसी के प्लेयर डिफेंस में मिस्टेक। अभी चांस मिल रहा है पुनिया एफसी को कॉलम का, लेकिन अभी तक शूटिंग अभी तक किक नहीं मारा इन्होंने, निगरों ने किक मारा था लेकिन रुक लिया डिफेंस ने। गलत पास दे रहा है स्पोर्टिंग एफसी का प्लेयर। Thank you.
स्पोर्टिंग इसने किक मारा है लेकिन कीपर के हाथ में पहुंच गया, कीपर ने पकड़ लिया बॉल। स्पोर्टिंग एफ ने बॉल लेते हुए आगे बढ़ रहा है, बॉक्स के फास्ट पहुंच के बॉक्स में पहुंच गया है बॉल, लेकिन मारने की कोशिश किया था लेकिन मार नहीं पाया, आउट बॉल। ने फॉरवर्ड 11 को बॉल लिया, निकल के 11 नंबर ने इन किया बॉल, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है पुणे एफसी का। अभी भी पुणे एफसी के चांस में पुणे से किक मारा है लेकिन बहुत ऊपर से साइड में चला गया बॉल। गुड रिसीव्ड, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। अभी फिलहाल स्कोर हो गया है पुणे एफसी 2 और स्पोर्टिंग एफसी 1। स्पोर्टिंग एफसी कितने बॉल दिया था लेकिन हेड देखे डूब लिया, फिर से हेडिंग, फिर से हेडिंग, फिर से हेडिंग। फिर से हेडिंग दे दिया जो स्पोर्टिंग एफसी ने बहुत कोशिश करा बॉल मारने के लिए, कीपर के हाथ में मारा, बहुत तगड़ा शॉट मारा था स्पोर्टिंग एफसी के प्लेयर, ये तो 100% गोल होने का चांस थी। रशियन यूरो ने बॉल लेते हुए लेकिन ऑफ साइड इंडिया जसमैन ने। थ्री नंबर आरके को बॉल ले रहे, आरके ने फिर 7 नंबर से टक्कर लगा रहा है अभी। फाउल इंडिया रेफरी, फाइव नंबर डिफेंस ने किक मारते हुए आगे की तरफ। स्पोर्टिंग एफसी ने गोल मारने की, फिर से डिफेंस ने लंबा किक मारते हुए फिर मार रहा है स्पोर्टिंग एफसी का डिफेंस, लेकिन गलत तरीके से मारा उसने। नंबर नीचे गिरा हुआ टिंकू हरिसिंह का प्लेयर है ये। नीग्रो को येलो कार्ड दे दिया रेफरी ने, फिर से वो झगड़ा कर रहा है रेफरी के साथ नीग्रो ने, 17 नंबर पहना हुआ है नीग्रो ने, फिर देख रहे हैं झगड़ा करने के लिए।
अरे फाउल बोले अरे निग्रो आ गया साथ में नंबर को फास्ट किया था लेकिन 16 नंबर थोड़ा सा लेट हो गया वो काफी कोशिश कर रहा है गोल देने का स्पोर्टिंग एफसी लेकिन कर नहीं पाया अभी तक गोल फिर से इन किया बॉक्स में कीपर के हाथ में चला गया बॉल लेफ्ट विंग के बॉल ले रहे 11 नंबर को 11 नंबर शिकल दिखाते हुए ले जा रहे बॉल इन किया था लेकिन सीधा कीपर के हाथ में पहुंच गया वो इधर नीचे गिर गया इन करते हुए 3 नंबर ने बॉक्स में कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है वहां पे कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है स्पोर्टिंग एफसी का रेफरी ने खत्म कर दिया है पूनिया एफसी ने जीत गया पूनिया एफसी आज लास्ट सेमीफाइनल में जीत गया है स्कोर है 2-1 स्पोर्टिंग एफसी 1 और पूनिया एफसी 2 गोल पूनिया गांव का जनता सारे नाच रहे ग्राउंड के अंदर अभी जीतने के बाद फाइनल पहुंच गया ये लोग काफी खुशी से ये लोग नाच रहे फील्ड के अंदर जैसे गेम खत्म हो गया इन्होंने पीवाईसी लिख के पीवाईसी जीत गया है अभी लोकल टीम बगतपरा का ही पूनिया यूथ क्लब पूनिया यूथ क्लब ने जीत गया फाइनल पहुंच गया ये लोग 29 डेट को फाइनल खेलेगा ये देखो आप लोग पूनिया जीत के खुशी में वो लोग घूम रहा है सारा আমার ভক্ত আঞ্চলিক আসুন ও জন্য ভক্ত মার্কি